नमस्कार, सियासत की बात सच्चाई के साथ। आपके साथ मैं हूँ श्वेता एस त्रिपाठी। ऐसा क्यों है कि जब भी चुनाव करीब आते हैं राम मंदिर आंदोलन का मुद्दा हवा में गूंजने लगता है, और ऐसा क्यों होता है कि जब भी केंद्र में एनडीए की सरकार होती है वीएचपी संघ और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों का केंद्र अयोध्या ही बन जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई सोची समझी रणनीति? क्या राम मंदिर को सांस्कृतिक मुद्दा बनाने वाले गुमराह करते हैं, क्योंकि दरअसल राम मंदिर उनके लिए सिर्फ राजनीतिक मुद्दा भर है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए हो जाता है। आज अयोध्या में हुई राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की बैठक के एजेंडे के बहाने हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अयोध्या में संतों और वीएचपी की बैठक के बाद किसी बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे लोगों को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि ये बैठक सिर्फ रस्म कवायद की तरह नजर आई। हाँ, इस बहाने मंदिर मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। फिर सवाल ये है कि क्या दरअसल बैठक का मकसद ही यही था और इस तरह की कवायद आगे भी जारी रहेगी? पहले रिपोर्ट देखते फिर इस पर चर्चा करेंगे। सभी संतों की हार्दिक इच्छा है कि बिहार के चुनाव से पहले मानसून सत्र में भाजपा लोकसभा में विधेयक ला करके राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का संकल्प करे। अयोध्या में एक बार फिर संतों और वीएचपी नेताओं का जमावड़ा हुआ है। एक बार फिर मंदिर को लेकर बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में मंदिर का मसला और गर्माएगा। ये विषय न्यायालय का है ही नहीं। सच्ची बात यह है कि विषय न्यायालय का नहीं है, ये पूरे देश के भीतर 100 करोड़ हिंदू समाज की आस्था का प्रश्न है, मगर न्यायालय में आ गया है। हमारे देश न्यायालय से चलता है, संविधान से चलता है, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद ये पहला मौका है जब अयोध्या में इस तरह से सरगर्मियां बढ़ी हैं। ये मौका भी काबिले गौर है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में बिहार के चुनाव होने को हैं, जबकि उसके साल भर बाद यूपी में राजनीतिक नारों का शोर गूंजने लगेगा। अब वीएचपी बीजेपी या संघ के लोग चाहे जो दलील दें, अयोध्या की हलचल महज इत्तेफाक भर नहीं है। पहले विपक्ष को सुन लीजिए। ये मामला अदालत में विचाराधीन है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं कह चुके हैं कि अदालत का फैसला सबको मान्य होगा, इसलिए इस नए हमले के पीछे की रणनीति क्या श्री नरेंद्र मोदी जी की जानकारी में है? राम मंदिर की बात जरूर करना चाहते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बनाना चाहते। वैसे पहली बार नहीं है जब चुनाव के ठीक पहले ऐसा माहौल बना हो। बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी मंदिर मुद्दे को सांस्कृतिक मुद्दा होने का दम तो भरते हैं, मगर इनकी टाइमिंग और कार्यशैली हर बार बता देती है कि ये मुद्दा दरअसल राजनीतिक ही ज्यादा है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी की एक टिपिकल पॉलिटिकल वर्किंग स्टाइल है। इसके तहत एक विवादास्पद मुद्दे पर पार्टी और संघ से जुड़े नेता अलग अलग बयान जारी करते हैं। बीते कुछ दिनों में आए बयानों पर गौर कीजिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इशारों में कहा था कि अपने मूल एजेंडों के लिए बीजेपी को 370 सीटों की जरूरत है। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चल रही है और मामला अदालत में, लिहाजा इंतजार करना चाहिए। जबकि साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर बनेगा और सही समय पर बनेगा। वैसे पहली बार नहीं है जब चुनावी मौसम के ठीक पहले मंदिर राग छेड़ा गया। संघ और वीएचपी के नेता हर उस मौके पर मंदिर मुद्दा छेड़ते हैं जब या तो मौसम चुनावी हो या फिर सत्ता में बैठी एनडीए सरकार अल्पसंख्यकों के बीच भरोसे की बहाली की दिशा में काम कर रही हो। अटल जी के जमाने में जब सरकार अल्पसंख्यकों के बीच भरोसा बहाली की कोशिश में जुटी थी और विवाद सुलझाने के लिए अटल जी ने अयोध्या समिति का गठन किया, बातचीत की पहल की, उसी वक्त मार्च 2002 में वीएचपी ने मंदिर निर्माण शुरू करने का ऐलान कर दिया। यह वक्त वो था जब यूपी में विधानसभा के चुनाव होने थे, हालांकि चुनाव में इसका फायदा नहीं मिला। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार अल्पसंख्यकों के बीच भरोसा बहाली की कोशिश में जुटे हैं, अल्पसंख्यक नेताओं से मिल रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, मुस्लिम देशों की यात्रा भी संभावित है। मोदी ने रमजान के ठीक पहले कतर, बहरीन, इजिप्ट और इंडोनेशिया के राजदूतों को अपने आवास पर लंच के लिए भी आमंत्रित किया, जो पहली बार हुआ। लेकिन मोदी की इन कोशिशों के बीच बीजेपी की दूसरी धारा भी सक्रिय है। साक्षी महाराज जैसे नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने अपना प्रदेश सम्मेलन अयोध्या के कारसेवकपुरम में किया। संघ और वीएचपी की गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। अयोध्या में एक बार फिर
बैठकों और बयानों का दौर जारी है। यानी हमेशा की तरह राम मंदिर निर्माण का मुद्दा एक बार फिर तब उछला है जब बिहार में इस साल चुनाव होने और यूपी में भी चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं, अयोध्या से वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय जी हैं और लखनऊ से मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चंपत राय जी, पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ। दरअसल ये जो बैठक हुई है आज, इसमें लोग लोग बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे होंगे, लेकिन एक तरफ आपने सब कुछ कोर्ट पे छोड़ा, दूसरा ये भी कि एक जो ये स्थितियां समझी जा रही थी कि नई सरकार के साथ टकराव ना हो जाए इस मुद्दे को लेकर, उससे भी आपने सरकार को मुश्किलों से उनको राहत दे दी कि नहीं, कोई टकराव की उसमें नहीं है, इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि ये बातें तो आप लोग लगातार कहते रहे, तो नया क्या हुआ इस बैठक में? राम जन्मभूमि न्यास एक पंजीकृत संस्था है जी, और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की कुछ संवैधानिक बाध्यता रहती है। वो संवैधानिक बाध्यता है कि न्यास की बैठक होती रहनी चाहिए। ये एक रूटीन कॉन्स्टिट्यूशनल मीटिंग है, आपने ही इसको गंभीरता से लिया है, हमारे लिए एक नॉर्मल मीटिंग है ये। नहीं नहीं, नॉर्मल मीटिंग तो आप हर बार करते होंगे, लेकिन जो समय चुनते हैं शायद उस पर सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं चुनाव से पहले, आखिर ये तो शायद इत्तेफाक नहीं हो सकता। आप कोई सुझाव दीजिए कि हमको अपनी न्यास की बैठक कब करनी चाहिए। नहीं, ये सुझाव हम सुझाव दीजिए तो कब देश में चुनाव नहीं होंगे। तो हमने तो उत्तर प्रदेश में हमें कोई सुझाव चुनाव नहीं लगा, अयोध्या में कोई इलेक्शन नहीं, फैजाबाद में इलेक्शन नहीं, आसपास कोई इलेक्शन नहीं, आसपास में तो है ना, बिहार में तो बैठक है। कर ली चंपत राय जी, ये तो ये नहीं इनकार करेंगे, बिहार में तो है चुनाव। अयोध्या में नृत गोपाल दास जी रहते हैं, वो न्यास के अध्यक्ष है। अयोध्या में पुरुषोत्तमाचार्य जी रहते हैं, उनकी आयु 90 साल है। अयोध्या में वेदांती जी रहते हैं, सुरेश दास जी रहते हैं, और संयोग से अशोक जी 15 दिन के लिए अयोध्या में आराम करने आए हैं। तो हमें न्यास की बैठक हमने कर ली, इसमें व्हाट इज रॉन्ग? अच्छा, मतलब संयोग है, ठीक है। हमारे साथ धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास भी हैं। रूटीन बैठक जी, यासूब अब्बास जी, वह संयोग है, राजनीति कहीं ना कहीं लग नहीं रहा इस पर राजनीति हो रही है, क्या सोचते हैं आप लोग? देखिए, पूरी तरीके से इसके ऊपर राजनीति हो रही है, और सवाल ये, जब मामला न्यायालय में है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, तो इस मसले पर राजनीति नहीं होना चाहिए है। बड़े अफसोस की बात है कि धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। मैं इसको बिल्कुल गलत समझता हूँ। हिंदू हो, हिंदू भाई हो या मुस्लिम तंजीमें हो, दोनों लोग धर्म को, मजहब को सियासत से जोड़ रहे हैं और उसके ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। कोई ना कोई किसी सियासी पार्टी का टूल बना हुआ है, कोई ना कोई किसी सियासी पार्टी के हाथों खेल रहा है, और उससे नुकसान सिर्फ इंसानियत का होता है। आज मंदिर और मस्जिद की रात याद काहे के लिए आ रही है, जब मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, मोदी जी जो है मुसलमान राजदूतों से मिल रहे हैं, मोदी जी पूरे दुनिया के देशों के दौरे कर रहे हैं, तो इस वक्त ऐसी चीज कौन सी आ गई कि इस वक्त मंदिर के इशू को उठा दिया जाए? सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मस्जिद का इशू उठा दे, और विश्व हिंदू परिषद मंदिर का इशू उठा दे, और फिर आपस में हिंदू और मुसलमानों में तलवारें खिंच जाएं। भाई, कभी कभी विकास की बात हो, कभी कभी डेवलपमेंट की बात हो, कभी कभी हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात हो, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दोनों आंखें हैं। हिंदू और मुसलमान, ये नहीं है कि एक आग आदमी की खराब होती है तो चेहरा कैसा लगता है। तो सवाल यह है कि इस इशू के ऊपर राजनीति क्या की जाए, इस इशू के ऊपर के आरएसएस ने कोई बयान दे दिया, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कोई बयान दे दिया, किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बयान दे दिया, और उससे तलवारें खिंच जाएं। देखिए, किसी राजनेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है, और ये बयान देने वालों का भी कुछ नहीं होता है। जो पिसती है वो गरीब आवाम पिसती है, और वो जनता पिसती है, मैं जहां तक समझता हूं। और नुकसान जनता का होता है, किसी माँ की गोद उजड़ती है, किसी औरत का सुहाग लुटता है। सवाल ये है कि जब बाबरी मस्जिद जो थी वो शहीद की गई, उसके बाद से ये इशू उठने लगे, उसके बाद से इसके ऊपर सियासत होने लगी और सियासी रोटियां सेकी जाने लगी। आज तक के जितने लोग मारे गए हैं,
किसी हिंदू तंजीम से, आरएसएस से पूछिए क्या कोई इन लोगों के दरवाजे पर गया, लेकिन धर्म के साथ उसको जोड़ा ना जाए, उससे ऊपर हटके सोचा जाए कम से कम। चंपत राय जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, जब जब हमने देश में एनडीए की सरकार देखी है, अटल जी की सरकार हो, अब चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, तब ये मुद्दे इतने तेजी के साथ कैसे उठ जाते हैं? बैठकें भी तेजी से हो जाती हैं, मुद्दे भी सामने आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहें कि जो काम होता है वो बहुत तत्परता के साथ आगे बढ़ जाता है, इसकी क्या वजह? ये तो आपकी दृष्टि है, हमारी दृष्टि ऐसी नहीं है कि कोई नहीं, हमारी दृष्टि की बात आप चंपत राय जी कैसे कह रहे हैं? देश के सामने तो हर एक चीज सामने है ना, ये हमारी और आपकी राय कैसे हो सकती है? ये तो पूरी जनता है, सभी सब कुछ सब देख रहे हैं ना। कोई बात नहीं, मैंने अपनी बात कही कि हम ऐसा नहीं सोचते जैसा आप बोल रहे हैं कि हमने कोई सरकार की अनुकूलता देखकर कोई मुद्दा बढ़ा दिया, कोई घटा दिया, ये सोच हमारा नहीं है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हाँ। आपकी सोच हमसे नहीं मिलती, नहीं, बहुत अच्छी बात है। सोच की बात नहीं है, आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। 2002 में जब अटल जी की सरकार थी तो वीएचपी ने पूरे देश से लोगों को इकट्ठा कर लिया था, और अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार है तो भी कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, क्योंकि जो बयान आते हैं वो भी यही बात कहते हैं। हमारा कोई जिम्मेदार ऐसा बयान नहीं है, और हमारे संतों ने मार्गदर्शक मंडल में भी और आज भी ऐसा कोई निर्णय नहीं किया। हाँ। चंपत राय जी, आपके पास मैं आती हूँ दोबारा, आपका जो और भी बहुत सारी बातें जो शायद आप रखना चाह रहे होंगे जरूर आपसे मैं समझूंगी, और हमारे साथ मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास भी बने हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है तमाम पहलुओं को समझना और राजनीति और धर्म को शायद अलग करके चलना। समझना कि आखिर चुनावी वक्त से पहले ही आखिर क्यों ये जो मुद्दा है राम मंदिर मुद्दा, ये एकदम से गरमाने लगता है, बैठकें हो जाती हैं, बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होती है, ध्रुवीकरण की होती है कोशिश वोटों की, भले ही इसको माना जाए या ना माना जाए, लेकिन सब कुछ साफ है कि आखिर कोशिशें क्यों हो रही है, क्या इस मुद्दे को राजनीतिकरण इसका होना चाहिए, क्या जोड़कर देखा जाना चाहिए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ये सोच किसकी है, ये देश को पता है कि क्यों टाइमिंग्स का फर्क है, क्या ये महज संयोग है, क्योंकि अगर हम 2002 देखें चुनाव से पहले, 2007 चुनाव से पहले, विधानसभा चुनावों से पहले, 2012 विधानसभा चुनावों से पहले, और 2014 लोकसभा चुनावों से पहले, हमेशा ये मुद्दा उठाए, चुनावी सरगर्मियों का मुद्दा बनाए, तो क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? देखिए, इस इशू को चुनावी मुद्दों से नहीं जोड़ना चाहिए है, चुनाव अलग है और धर्म अलग है। धर्म को चुनाव के अंदर देखना बिल्कुल गलत है, मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि धर्म को चुनाव से जोड़ना ये पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। चंपत राय जी, आवाज इको कर रही है, थोड़ा आवाज साउंड प्रॉब्लम है जी, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, शायद आपको आवाज नहीं क्लियर हो पा रही है। चंपत राय जी, इस पर आपसे राय लेना जरा चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये तो आप कह रहे महज इत्तेफाक है। देखिए, ऐसा है, आपका प्रश्न है कि धर्म को, हाँ, आपके पास मैं लौटूंगी चंपत राय जी, अभी आपसे शायद जी आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, मेरी आवाज शायद आपको नहीं, बिल्कुल चंपत राय जी, अब अपनी बात रखिए आप, बिल्कुल बात रखिए आप। देखिए, ऐसा है, हिंदू धर्म, मैं आपके दर्शकों को हिंदू धर्म शास्त्र का एक सूत्र बताना चाहूंगा। बिल्कुल बताइए। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य और पशुओं में, हाँ, चार बातें एक जैसी है,
पहली बात है भूख लगना आहार, दूसरी बात है नींद आना निद्रा जी, और तीसरी बात है भय डर लगना हाँ, और चौथी बात है मैथुन हाँ, अंग्रेजी में आप इसे सेक्स कहेंगे हाँ हाँ हाँ, हिंदू धर्म शास्त्र कहते हैं ये चारों बातें मनुष्य में और पशुओं में एक जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है हाँ, तो धर्म शास्त्र कहता है कि धर्म ही इन दोनों को अलग करता है हाँ, और धर्म जो नहीं है तो उसका आचरण पशुओं के ही समान नहीं, होता है। आप सीधी बात रखिए चंपक राय जी, क्योंकि इस पर बहुत लंबी इसी का परिणाम सकती है हाँ, इसी का परिणाम है कि आज राजनीतिक जीवन में बहुत सारी बुराइयां तमाम प्रकार के दोष आप सब लोग अनुभव करते हैं। हमारा सोच ऐसा है कि देश के प्रत्येक जीवन में हर इंस्टीट्यूशन में हाँ, व्यक्ति के इंडिविजुअल आचरण में हमारा हरेक व्यवहार हरेक निर्णय धर्म अधिष्ठित होना चाहिए। समाज की भलाई किस में है हाँ, यही सोचना चाहिए। चंपक राय जी मुख्य मुद्दे पे आ पाए कि समाज की दरअसल वाकई में ये कहें हित किस में है, ये शायद बैठ के विचार करना होगा, विकास में या फिर किस किन बातों में, क्योंकि शायद अगर एक लाइन डिसाइड होगी तो उस पे चलना बेहतर होगा कि इधर उधर डाइवर्ट हो जाए और जो मुद्दा है उस पर ही भटक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद चंपक राय जी, समय हमारे पास आज सिर्फ इतना ही है। मौलाना यासूब अब्बास जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखना ये होगा दरअसल जो मुद्दा है जिसको एक कोशिश एक के तहत आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है ये किस जगह आके रुकता है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।